सुबह मैं इनको यहाँ पे चढ़ाती हूँ, ये वहाँ खाते। एक और आई प्रतिभा दीदी, काहे कहाँ जा रहे हैं आप घूमने? गाइस यहाँ देखो ब्लैक बिल्ली। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। और गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस मैंने अभी ब्रेकफास्ट बनाना है, तो मैंने आलू बॉईल मतलब कि पका दिए है और अब मैंने उसका स्टफिंग बनानी है। तो आज हमें परांठे खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर पकाने को लगाए थे, तो ये हो चुके हैं और अब ठंडा भी हो चुका है कुकर। अब मैं इसको बनाती हूँ, तो स्टफिंग बनाऊंगी गाइस पहले। और मैंने स्टफिंग बना दी है और इधर मेरी चाय बन रही है और अब मैं बनाती हूँ यहाँ पर परांठे। और चाय बन गई है गाइस, देखो देखने में तो बढ़िया लग रही है, पता नहीं खाने में कैसे हो गए। अभी जा रहे हैं हम मॉल, क्योंकि इसने थोड़ा बहुत सामान लेना है, पूजा ने, तो हम मॉल जा रहे हैं और थोड़ा घूमेंगे। तो इसको शॉपिंग करनी है, पता नहीं क्या क्या करना है। इसने अपने दादा की एक फ़ोटो फ्रेम बनाना था, तो वो भी बनाना है, वो भी हमने परे बनाना है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो पीछे रहेगी, पता नहीं कहाँ जैसे रहेगी। हाँ पीछे गाइस ये मेरी फ्रेंड है पूजा, जानते तो हो गए आप अगर मेरा ब्लॉग देखते हो गए। तो हम जा रहे हैं पैदल आज भी। हमने सोचा आज, वैसे मैं लाइब्रेरी नहीं गई, तो मैंने सोचा कि चलो घूम ही लेते। इसने अभी बोला इसकी भाई आज छुट्टी है, तो हम जा रहे हैं घूमने। तो गाइस देखो, चल आज ना बहुत तेज धूप है और देखो हमने क्या कपड़े पहने, बहुत पतले पतले कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है हमारे को। और अभी हम पहुँच रहे हैं IGMC के पास, अभी हम वहाँ पे नहीं पहुँचे, तो हाय अब थोड़ी छाया ऐसी मिल रही है। प्लीज इनके चैनल के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले प्लीज। गाइस इसके चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत डोगरा। मिलते हैं अब थोड़ी देर से, आगे आगे जैसे दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस अभी आए हुए हम मोमोज खाने, आप भी खा सकते हो। हम पहुंच चुके हैं संजौली और अभी हमको भूख लगी हुई है, तो हमने चाइनीज परांठा ऑर्डर किया है। तो हमें प्यास भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी, बस में भी बहुत लगी थी आज, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो प्यास भी हमें बहुत ज्यादा लग रही है। हमने यहाँ के सबसे पहले पानी स्टार्ट कर दिया पीना। हेलो तो गाइस हमारा चाइनीज पराठा पहुंच चुका है। देखो ब्लैक बिल्ली। बस मत कर, चल खा रही है वो, मार खाएगी। नमस्ते जी, ले यार ले, आ रही है तू। अच्छा का बोल के अलग किया।
पावर जोर से लगा नहीं लगा हम तो बिल्डिंग उड़ा सकते हैं यार नहीं लग रहा ये क्या हो गया नहीं नहीं पर मेरे को नहीं आता यार ये लगाने मैंने आज तक कभी लगाया नहीं आता बट ये ही आता लग रहा है अब हम बुला के अपने भाई को सिलेंडर लगाने निकाल दिया था हाँ निकाल दिया इससे भी नहीं लगेगा लग भी सकता है कुछ भी हो सकता है क्यों नहीं लग रहा मैकेनिक हो रहा है अंदर से नहीं लग रहा यार देखो गाइस अब अगर कभी हमारे एक दूसरे के रूम में कभी प्रॉब्लम होती है ना तो हम एक दूसरे की हेल्प करने आ जाते हैं जैसे अभी अभी मैं भी आई हूँ मेरा भाई भी आया है और ठीक आ रहा है और ये हमारे स्टार्ट हो जाती हूँ कहीं नहीं के कुछ हो ही नहीं रहा इधर लग नहीं रहा पर ऊपर तुम्हारे घर में भरवा रखा है सिलेंडर अब ये सिलेंडर हमारे रूम ले जाया जाएगा हाँ पता लगना जी इसमें दिक्कत है ना मना ये हमने भी उस टाइम का ही लगाया था शायद ना तुम्हारे ऊपर ही अब गाइस हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारे बारे में लगता है कि नहीं लगता ये सिलेंडर में प्रॉब्लम है या रेगुलेटर में प्रॉब्लम है रेगुलेटर में तो नहीं है रेगुलेटर के अलग अलग होते हैं ना डिजाइन थोड़े और इनके साथ नहीं दूसरी बार खप हो चुकी है मतलब पहले जैसे इन्होंने पहले भी लेके आए थे ना वो लीक हो रहा था वो उसी तरह वापस करना पड़ा फिर ये वाला लेके आया इसमें रेगुलेटर नहीं लग रहा करे तो करे क्या करेगा इस दिक्कत ही दिक्कत है मेरे जो दर्द हो जाएगी उसके बाद फोन आ जाता है लेते जैसे सील तो खोल दी है तो अब हमारी क्या करती है हाँ रेगुलेटर नहीं लग रहा भाई नहीं लगा तो नहीं लग रहा हमने बोलो दो तीन रूम में चेक किया वीडियो पूरी की पूरी है उस टाइम में नहीं चीज ना थोड़ी जिस टाइम अब हम वापस ले जाते हैं इधर वाला ये वाला सिलेंडर हमने दिया हेल्प एक दूसरे की हम ऐसी करते हैं है ना ऐसी करनी चाहिए यार तो क्या और क्या कर सकते हैं रात को कौन देगा भैया हमको इन दुर्गा यही होता है रखा नहीं पीछे पीछे वहाँ की और गाइस हमने इस वाले सिलेंडर की ना सील भी तोड़ दिया वो ऐसा बोलेगा कि भाई ये तुमने यूज किया है हमने तो यूज किया ही नहीं पूरा बाकी ये ना इसका जीसा वाला है ना
इन्होंने ना बदला लिया आपका आपसे। हाँ, उस दिन लटकाया हमने गाली तो नहीं दी थी, कंप्लेन तो करनी पड़ती है यार जब वो इतना गलत सिलेंडर दे रहे हैं। बंद करने के लिए तो मतलब बस हो गया, ये भी नहीं लग रहा है इसमें ठीक से यार, ये बन क्या है, ये भी ऊपर ही आ रहा है, डिफेक्टिव माल है, दे दो भरे वापस इसको, देना तो पड़ेगा लेके। तो गाइज हमारा डिनर ना हो चुका है और आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने कुछ लगाया है, तो मेरे को यहाँ पे पिंपल हुआ था, ये मुझे आज ही हुआ, थोड़ा कल था आज थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे कॉलगेट लगाया हुआ है ताकि ये कल के लिए बैठ जाए। और आज के व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज, बाय बाय।